आप ये तो बताइए कि हमारा कौन सा लेटेस्ट कांड आपको पगला बैल किया हुआ है? हमको पागल कुत्ता काटा। तो हम तेरी बात सुन लिया, हमें लगा तू तो मारा जाएगा, तो हम गए मास्टर से बात करने के लिए। सोचा विधिवत शादी की बात कर ले मास्टर की लड़की की तुम्हारे साथ। हम बेटा, रिश्ता और छवि हम सुधारना चाहते हैं, इसलिए आपकी बेटी का अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगता हूँ। फाइनल। मुंह मीठा कराओ भौजी, लाओ लड्डू लाओ। उठ यहाँ से। ये मास्टर शिवोत्तम शर्मा अपनी बेटी का ब्याह किसी भिखारी से कर देगा, लेकिन तुम्हारे जैसे चोर उचक्के और तुम्हारे मवाली बेटे से कभी नहीं करेगा। मैं वो लड़की, उसका बाप, उसका पूरा खानदान है ना, कल सुबह के बाद ही दुनिया में रहने लायक नहीं बचेगा। अब हम तुमको नहीं रोकेंगे, पर जो मन में आता है तुम करो, बल्कि हमारी मदद चाहिए होती वो भी बता। क्या चाहिए तुमको? कट्टा, पिस्तौल, बम, आदमी, बताओ हमका। ना गोली चाहिए ना पिस्तौल, अब की मारेंगे भीतरिया साइलेंस लगा के। आप घर बैठ के टीवी खोल के चिंगाड़ा चाय खाइए, बाकी जो काम करना है हमको देखते। ए लड़का लोग, रेडी हो ना तुम लोग? रेडी रेडी। पिटाई से कांड शुरू हुआ है, आगे बहुत पढ़ने वाली है। फटाफट उठो और काम पे लग जाओ। एक भी जगह नहीं छूटना चाहिए। कचरा कौन फेंक दिया इधर? ये सब क्या है, नहीं जानते? कहाँ है? फोटो है, जानेंगे कैसे नहीं? तू चाटे बाना टाइप के लॉन्डो का। तो ये तुम्हारे कमरे में कैसे आया? ये तो हम भी सोच रहे थे कि हमारे कमरे में कचरा कौन फेंक के चला गया। तू फेंका है सब। तूने पंडित का फाइल पार किया, फिर ये फोटो को चीर दिए। ये तो हमारे हाथ लग गया, तू पकड़ा गया। और बोल बोल बोल, ये आप जो बोल रहे ना एकदम झूठ बोल रहे हैं। अरे जिसको देखो जब देखो हमको ब्लेम करके चला जाता है। तुम पंडित से नहीं मिले थे? मंजिले की शादी को लेकर प्रवचन नहीं झाड़े थे उसको? हाँ, और फिर उसके बाद फोटो छीन के फाड़ के फेंक दिए थे। चीरे नहीं, चोरी की है चोरी। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? सरासर झूठ है। एक बात बताइए, मंजिले की शादी फोटो फाड़ने से रुक जाएगी? दुनिया में बस इतना ही लड़का है पापा जी, कुछ भी बोलते हैं आप। अरे और भी तो फोटो आ सकता है, आगे पंडित और फोटो नहीं लेके आ सकता। एक बात बताइए, मान लीजिए कल को पंडित आपके मोबाइल पे कोई फोटो भेजेगा तो हम आपका मोबाइल भी मार के तोड़ के फेंक देंगे। तो फिर गंदा काम कौन किए? कौन किया गंदा काम? किसको इस फोटो के फाड़ने से लाभ है? बड़की? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर सकती। वो तो पहले ही अपनी शादी को लेकर तरु था। और अम्मा, उसमें इतना हिम्मत आई? आप किए होंगे भाई। आपको भी तो कोई लड़का का फोटो पसंद नहीं आता है ना? आया कभी? नहीं आया। तो हो सकता कोई फोटो आया होगा और आपको पसंद नहीं आया होगा, आप फाड़ के फेंक दिए होंगे, आप भूल गए होंगे। मेंटल नहीं है ना हम? अगर तू नहीं किया, कोई और नहीं किया,
तो फिर बच्चा कौन? मंजली? हाँ, उसको शादी नहीं ना करना है, माने उसको फोटो फाड़ने से लाभ हो सकता है, हम पूछते हैं उससे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो नहीं बोली तो तुम गए इस घर से सदा के लिए। रखो इसको। क्या बात है, शाबाश। अरे वेरी गुड माय बॉयज, हैं? क्या बात, शाबाश, शाबाशी देंगे। अरे ये बबलू आए ना बॉबी भैया, अरे इसके तो हाथ कांप रहे थे। हैं? सॉरी बाबू भैया, कौनो कांड तो नहीं हो जाएगा? अबे अरे कांड ही तो है, और का कांड होगा भाई इससे ज्यादा। कांड होगा माने हम लोग कहीं फंस तो नहीं जाएंगे? अरे नहीं नहीं, हम बात कर लिए वकील से, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। अरे सुने हैं जेल में खीर भी फ्री में मिलता है। अरे डरपोक है ये बॉबी भैया। अरे गोल्टन, सब जगह फैला दिया ना? सब जगह? अरे हर गली, हर मोहल्ला, हर दीवार, और तो और SMS भी कर दिया हम सबको। फिर वो लाट साहब को भी फोटो भेज ही दो। ये बात चल रहा है सब? अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो? कहा है सब? तुम तो एकदम टॉप क्लास लग रही हो, बिल्कुल हीरोइन जैसी। ये सब तुम्हारे मोबाइल में कैसे आए? ओ, कोई भेजा है हमको।
देखो उसका नंबर भी लिखा है 9158। ये सब फोटो के बारे में जानती हो तुम? वो छुटंकी मंगाई थी सिर्फ ट्राई करने के लिए। ये सब तुम्हारे मोबाइल में कैसे? कौन भेजा तुमको? ये तो प्राइवेट फोटो थे, एक वो पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव? क्या मतलब है इसका? माने ये फोटो किसी और को मिल गए? ए भगवान, छुटंकी कहाँ है? वो तो अभी बाहर निकली न्यूज़पेपर उठाने। निराश मत होइए, छुटंकी सबके लिए उपलब्ध। साढ़े तीन बजे मुन्नी जरूर मिलेगी। अरे ऑफ हो गया, इस छुटंकी को रात में ही बोला था हमारा फोन चार्ज पे लगा दो, पर इसको तो अपना नौटंकी से फुर्सत मिले तब ना। ये भी कहाँ गई? वो बड़की की अम्मा। अरे हमारा चाय और अखबार। अरे बड़की का अम्मा, ओ बड़की का अम्मा, हमारा अखबार कहाँ? अखबार लेके यहाँ काहे खड़ी है? दे हमका। मत हुई, छुटंकी सबके लिए उपलब्ध है। ठीक रात 12 बजे के बाद बात कीजिए, संगीन बात है। 3:30 बजे उन्हें जरूर मिलेगी। पापा, पापा, ये सब कहाँ की तू? हमने कंधा, हमने सामने आए तुझको। कर दिया? क्या कर रहा है? अरे देख देख क्या कर दिया है, पूरे घर पे बेशर्म ने, एक कपड़ा में। अरे कहीं का नहीं छोड़ा मास्टर शिवोत्तम शर्मा को इसने। पापा हमने मम्मी, 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 मम्मी,
हम कुछ नहीं किए होंगे। निराश मत होइए, छुटकी सबके लिए उपलब्ध है। ठीक रात 12 बजे के बाद कीजिए भरपूर रंगीन बातें। अरे मोबाइल नंबर, ये तो इनाम वाली लड़की लगती है। निराश मत होइए, छुटकी सबके लिए उपलब्ध है। लगता है कोई नया कारनामा है। हम कुछ नहीं किए हैं पापा। तुम नहीं थी पर इस सब फोटो में तुम ही हो ना। ये सब किसी बदमाशी है, किसी साजिश है। तुझसे बड़ा बदमाश कौन होगा? आप उसको क्यों मार रहे? फोटो तो हम खिंचवाए थे ना पापा, हम खींचे थे। इतने अश्लील कपड़ों में फोटो, शर्म नहीं आई तुमको? हम तो बस ट्राई कर रहे थे, फोटो तो सब हमारे पास ही था पेन ड्राइव में। उसको अलमारी के अंदर दराज में रख दिए थे। तो अलमारी के बाहर कैसे चला गया? किसने किया ये सब? और तू? अकेले किया था या किसी के साथ मिलके? हमारे पापा ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने वादा किया है हमसे। कहाँ है पेन ड्राइव? कहाँ है पेन ड्राइव? आप कहाँ जा रहे हैं? जो हो गया वो तो रुकेगा नहीं ना। अब इस घटना से होने वाले नतीजा को संभालिए। हमारा पेन ड्राइव गया कहाँ? हमारे पास है। तुम्हारे पास हमारा पेन ड्राइव? वो तुम्हारा वाला पेन ड्राइव नहीं था। तुमसे ना बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। इसी तरह से पेन ड्राइव ली थी ना तुम? हाँ, इसी तरह से लिए थे। हमको पूरा याद है कि उस दिन हम और मंजरीदी फोटो खिंचवाए थे और इस दराज से पेन ड्राइव निकाले, उसके बाद उसमें फोटो सेव किए और इसी दराज में आके रख दिए थे। हमको पूरा याद है। वो हमारा पेन ड्राइव था। रुको, फिर हमारा किधर है? ये तुम्हारा पेन ड्राइव। तुम गलती से ना हमारे वाले पेन ड्राइव में अपना फोटो सेव कर ली। अगर हमारा पेन ड्राइव यहाँ है फिर तुम्हारा पेन ड्राइव किधर है? हाँ,
अरे कहाँ है, बोलोगे रुमलवा? हमारे लैपटॉप वाले बैग में हम रख दिए थे। तो जाओ ना लेके आ जल्दी से। हाँ लेके आते ना। ये देखो। तो नहीं है पेन ड्राइव, कहीं छोड़ आए क्या तुम? हम कहाँ छोड़ेंगे? छोड़ आए मतलब गलती से तुमसे कहीं छूट गया? नहीं। लैपटॉप बैग लेके कहीं गए थे हाल फिलहाल में? नहीं। कौन कर सकता है ये सब? खोल निकाल रहा है दुश्मनी। घर के बाहर पूरा पोस्टर लगा दिया है, मोबाइल पे फोटो वायरल हो रहा है, और तुम देखे हो और पोस्टर के नीचे क्या क्या लिखा है, कितना असली लिखा हुआ है। एक तो फोन नंबर लिखा है। वो नंबर हमारा नहीं है। लेकिन रुमलवा खुद बदनामी हो जाएगा रे।